देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ sec theta माइनस अल्फा sec theta एंड sec theta प्लस अल्फा आर इन ए पी, इसका मतलब टू टाइम्स ऑफ sec theta इज इक्वल टू sec theta माइनस अल्फा प्लस sec theta प्लस अल्फा। साइन कॉस में लिख लें से, टू अपॉन cos theta इज इक्वल टू cos theta प्लस अल्फा प्लस cos theta माइनस अल्फा अपॉन cos theta माइनस अल्फा इंटू cos theta प्लस अल्फा। ठीक है, देखो इसे इधर ले आते हैं, टू cos theta माइनस अल्फा cos theta प्लस अल्फा अपॉन cos theta इज इक्वल टू cos a प्लस cos b, कितना होता भाई 2 cos a प्लस b, जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, थीटा बचेगा भाई cos a प्लस cos b, 2 cos a प्लस b बाई टू एंड cos a माइनस b बाई टू, तो क्या बचेगा यहाँ से अल्फा। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 अभी कैंसिल नहीं करते, ठीक है, ये 2 बेस रहने दो, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या होता भाई cos a प्लस b, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बचेगा cos 2 थीटा प्लस cos a माइनस b, तो क्या बचेगा cos 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा एंड cos अल्फा। भाई cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड cos 2 अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा एंड cos अल्फा। थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, देखो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2 2 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बचेगा यहाँ से, क्योंकि माइनस 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 2 था तो माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस अल्फा। इसे इधर ले आओ, इन दोनों में से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, जब हम कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, इसे लिख देते हम कॉस अल्फा माइनस 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम कॉस अल्फा माइनस 1 बाहर लेते हैं तो ये बचेगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो कॉस अल्फा माइनस 1 0 हो नहीं सकता, ठीक है, कॉस अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1 तो ये 0 नहीं हो सकता। इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अल्फा, कितना ये 0, तो इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अल्फा ही पूछा था हमसे, कितना आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज 180 देन व्हाट इज साइन 2a माइनस साइन 2b माइनस साइन 2c इक्वल्स टू। देखो इसे तो ना फायदा तब है जब हम इसमें ना एंगल पुट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत बड़ा, तुम्हें पता है यू सॉल्व किया तुम लोगों ने, तो a को हम रख लेते हैं, एक काम करते हैं पहले ना a को रखते हैं 30, b को हमने 60 रखा और c को रखा 90। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं कितनी क्या वैल्यू आएगी, साइन 60 इज रूट 3 बाई टू, साइन 120 इज ऑल्सो रूट 3 बाई टू, तो माइनस का रूट 3 बाई टू एंड साइन 180 इज 0, तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब देखते हैं इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन है जिसमें 0 आ जाएगा, C 90 है, cos 90 कितना होता है 0 होता है, ठीक है यहाँ भी cos 90, तो ये दो ऑप्शन हो सकते, साइन 90 0 होता नहीं, ठीक है ये भी 0 नहीं होता, ठीक है तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, तो ए कैंसिल हो गया हमारा और सी कैंसिल हो गया, बचा क्या बी और डी, क्योंकि दोनों में सेम आ रहा है, तो इस बार एक काम करते हैं ए को क्या रख लेते हैं 90 रख लेते हैं, ठीक है बी को रख लेते हैं 30 और सी को रख देते हैं कितना 60। अब साइन 180 इज 0, साइन 60 इज रूट 3 बाई टू एंड साइन 120 इज अगेन माइनस का रूट 3 बाई टू, तो कितना आ गया ये माइनस का रूट 3 आ गया। ठीक है, माइनस की रूट 3 वैल्यू आ रही है, ए 90 है, देखो साइन कॉस 90 कितना हो जाएगा 0 है ना, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या हमारे पास डी ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पुट करके देख लेना ये वैल्यू है।